एक बार गुरु साहब एक थां ते गए तो उत्थे कई तरह के तंत्र मंत्र झूठे पखंडे साधु कट्ठे हुए सन। उन्होंने गुरु साहब नूं कहा जे तुसी सिद्धि पानी है तां तुसी साडे नाल 40 दिनां दा वर्त रखो ते तुहानूं वी सिद्धि मिल जाएगी। गुरु साहब जानी जान सन और इन्हां गल्लां 'च विश्वास नहीं रखते सन, पर वो मन गए तो 40 दिन सारे अपनी अपनी गुफावां में चले गए और वर्त रख्या। 40 दिन बाद जो सारे बाहर आए तो सब दे होश उड़े हुए सन, भुख नाल बुरा हाल। तो गुरु साहब उवें रूहानी तबीयत उस तरह रूहानी चेहरे ते तेज उन्हां दे, तो सारे बड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा ए किवें होया, तुहानू ते लगदा ही नहीं कि भी तुसी 40 दिन कोई भोजन नहीं किया। गुरु साहब ने कहा तुसी 40 दिन भुखे तो रहे, पर भुखे रह के तुसी अकाल पुरख नाल एक नहीं हुए, तुसी परमात्मा दा नाम नहीं जपया, तुसी उन्हूं नहीं विचारिया, तुसी हर वेले भुख दे विच ही तरसते रहे और अपने दिमागां दे विच अपने तुसी पदार्थां बारे भोजन बारे ही सोचते रहे। पर मैं जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही, अनलगम जैसे लहर में उदत जल केवल जल माही। मैं तो उस अकाल पुरख नाल एक हो गया से, मैंने तो कोई याद ही नहीं आया कि मैं भोजन नहीं किया, मैं पानी नहीं पीता और मैं आनंद दे विच सां, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। वो सारे हैरान हो गए और उन्होंने समझ आ गई कि ये अकाल पुरख दे बहुत उच्ची हस्ती ने और आके उन्होंने चरणा चढ़ाया।